मैं इस पांचवी छात्र संसद के आयोजकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस सत्र की अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया सर्वप्रथम मैं आप सभी को नववर्ष की और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मेरे नौजवान मित्रों आपके बीच आकर मुझे अपार हर्ष और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है युवाओं के इस विशाल समागम में उपस्थित होना वास्तव में एक रोमांचक अनुभव है जब भी मैं उत्सुकता या ऊर्जा से भरपूर युवाओं से मिलता हूँ तो आश्वस्त हो जाता हूँ कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है और मुझे कभी इकबाल के ये शब्द याद आ आ जाते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा वास्तव में जिस देश के खजाने में आप जैसे युवा शक्ति का धन भरा हो उसे प्रगति के रास्ते पर तेजी से जाने से कोई नहीं रोक सकता है हमारे देश में संसदीय प्रणाली की राज्य व्यवस्था है सदियों की दासता से मुक्त होने के पश्चात जब हम आज़ाद हुए तो हमने इस आशा और विश्वास के साथ स्वयं को शामिल करने के लिए लोकतंत्र को अपनाया कि यह हमें घोर गरीबी अशिक्षा और निर्भरता से के अंधकार से निकालकर संपन्नता और समृद्धि के प्रकाश की ओर ले जाएगा और वास्तव में ऐसा हुआ भी है लोकतंत्र के मार्ग पर चलकर ही धार्मिक क्षेत्रीय तथा भौगोलिक विषमताओं वाला यह देश आगे बढ़ पाया है जबकि हमारे पड़ोस में ही कई देश लोकतंत्र मजबूत न होने के कारण विकास के मार्ग पर पिछड़ गए हैं आज़ादी के बाद के पैंसठ से अधिक वर्षों में हमने तेज़ी से विकास का सफर तय किया है उद्यम और अवसर की समानता के आधारभूत सिद्धांत अपनाने का फल ये हुआ है कि आज हम विश्व में तेज़ी से उभर रही अर्थव्यवस्था में से एक हैं खाद्यान्न तथा बिजली से लेकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देश में क्या हो रहा है इस अवसर हम अक्सर चाय की दुकानों घरों तथा तो मित्र मंडली आदि में राजनीतिक विश्लेषण होते देखते एवं सुनते रहते हैं देश के आम नागरिकों के बीच होने वाला यह विश्लेषण निष्पक्ष रूप से संसदीय लोकतंत्र से जुड़ी सभी घटनाओं के कार्यों को समीक्षा करता है और शासक वर्ग के प्रति अपनी राय बताता है इसके अतिरिक्त देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने में प्रशिक्षण और शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है हमारे विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अनेक स्तर पर नागरिक विज्ञान के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है कि बालकों तथा नौजवानों के को अच्छे नागरिक बनने की ओर मार्गदर्शन प्रदान करता है मेरे मत में आज का यह आयोजन इसी श्रृंखला की एक कड़ी है इस तरह के आयोजनों से नौजवानों को हमारे संसदीय लोकतंत्र की परिकल्पना प्रतिक्रियाओं और क्रियान्वयन के विषय में आधारभूत जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा देश को सुयोग्य राजनीतिक नेतृत्व की अगली पीढ़ी प्राप्त होती है युवाओं का बड़ी संख्या में इस तरह के आयोजनों से जुड़ना अपने आप में एक शुभ संकेत है कि देश में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है इस अभिनव प्रयास के लिए आयोजक तथा सभी सहयोगी संगठन बधाई के पात्र हैं इस पृष्ठभूमि में आज के इस सत्र का विषय मीडिया सत्यता और टीआरपी की अत्यंत प्रशासनिक है मीडिया ने देश में अपनी यात्रा में कई पड़ाव पार किए हैं संविधान के अनुच्छेद उन्नीस एक के अंतर्गत प्रदत्त वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से भारत में मीडिया के भी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है लोकतंत्र में मीडिया आधार स्तंभ की भूमिका निभाता है राजनीतिज्ञों तथा राजनीतिकों दलों पर मीडिया निगरानी रखता है तथा सत्ता में आने पर उन्हें अपने वायदों आदि का ध्यान दिलाता रहता है संसदीय शासन व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यवाही पर एक नज़र रखकर मीडिया सरकार का ध्यान उसकी कमियों की ओर भी दिलाता रहता है जिससे सरकार को अपना प्रदर्शन बेहतर करने में मदद मिलती है यह समाज का ऐसा दर्पण है जो हमें जीवन की सच्चाई से परिचय कराता है समय के साथ साथ इसमें नए आयाम भी जुड़ गए हैं वर्तमान में मीडिया हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है तथा इसके अनेक रूप देखने को मिल रहे हैं चाहे समाचार पत्र हों चाहे टीवी चैनल हों तथा सोशल मीडिया जनता की विचारधारा बढ़ाने में मीडिया अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सामाजिक बुराई को अथवा अर्थव्यवस्था क्रिकेट मैच हो अथवा कोई अन्य फिल्म मीडिया हमारे जीवन के हर पहलू को छू रहा है सोशल मीडिया के रूप में आज एक नया पहलू जुड़ गया है जिसके जरिए महत्वपूर्ण विषयों पर जनमत निर्माण का कार्य भी हो रहा है युवाओं के मध्य यह तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है मीडिया में तकनीकी के नए नए प्रयोगों से पत्रकारिता में एक प्रकार का आंदोलन सा आ गया है इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के कारण पूरा विश्व आज एक वैश्विक गांव बन गया है भ्रष्टाचार उन्मूलन हो या लोकहित की नई योजनाएं मीडिया के देश में लोकतंत्र को मजबूत कर उसे विकास के मार्ग पर ले जाने में प्रभावी भूमिका निभाई है परंतु समय के साथ साथ मीडिया के समक्ष कुछ चुनौतियों की चुनौतियाँ भी उभरी हैं मीडिया में व्यावसायिकता बड़ी है जिसके साथ साथ प्रतियोगिता में भी वृद्धि हुई है कई बार मीडिया में किसी समाचार को प्रस्तुत करने में एक दूसरे से होड़ दिखाई देती है सनसनीखेज समाचार गंभीर समाचारों से अधिक मीडिया सस्पेंस लेते दिखाई देते हैं कतिपयी मीडिया चैनलों पर पेड न्यूज तथा समाचारों को विकृत रूप में प्रस्तुत करने के आरोप भी लगे हैं टीआरपी की रेस ऐसी ही एक गंभीर चुनौती है कुछ मीडिया चैनल एवं समाचार पत्रों पर समाचारों को सनसनीखेज रूप में प्रस्तुत करने के आरोप लगे हैं जिससे उत्तरदायी प्रतीतिका का प्रश्न खड़े होने लगे हैं इन निर्देशकों को ऐसा प्रतीत होता है कि टीआरपी की होड़ में कई बार समाचारों की सच्चाई सामने ना आकर उसका एक अलग ही रूप दिखाई देने लगता है एक पीठासीन अधिकारी के रूप में मुझे कई बार इस विषय की गंभीरता का अनुभव होता है जब मीडिया का एक वर्ग सदन में हुई गंभीर चर्चाओं के स्थान पर शोर शराबी तथा व्यवधान आदि को अधिक स्थान देता है संसदीय लोकतंत्र के लिए यह एक गंभीर चुनौती प्रतीत होती है हमारे देश में पत्रकारों और मीडिया की एक महान परंपरा रही है देश में मीडिया ने आज़ादी के दौरान ही सशक्त और प्रभावी भूमिका निभाई है स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र प्रकाशित किया था जिसके माध्यम से देश उसकी विचारधारा से परिचित हो पाता था और जनता को स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा प्राप्त होती थी आज भी हमारे देश में जिम्मेदार मीडिया की भी अधिकता है हमारे बीच में आज श्री रजत शर्मा तथा श्री राजदीप शरद देसाई के रूप में जो वरिष्ठ पत्र व्यक्तित्व यहाँ भी उपस्थित हैं उन जिन्होंने देश में मीडिया की विश्वसनीयता और गुणवत्ता बढ़ाने में प्रभावी योगदान दिया है आप जैसे अनेक प्रभावशाली पत्रकार जिस सौम्यता और गंभीरता से रोचक रूप में समाचार प्रस्तुत करते हैं उससे टी आर पी स्वयं भी बढ़ जाती है निश्चित व्यावहारिकता समय की मांग है दृष्टोट के कारण ही आज हमें मीडिया से अनेक विकल्प उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से देश विदेश में घट रही घटनाएं हमें बिना विलंब से पता लग लगने लगी हैं परंतु मेरे मीडिया के मित्रों की सहमत होने की आवश्यकता इस बात की है कि व्यावसायिकता गंभीरता के माध्यम एक संतुलन स्थापित करना रखा जाए ताकि बृहद हित प्रभावित न हो प्रश्न आज विश्वता का है राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई भी विसंगति लंबे समय तक नहीं टिक सकती सामाजिक हो अथवा राजनीतिक प्रकृति अन्य शक्तियाँ स्वयं संतुलन स्थापित कर लेती हैं यह सर्वमान्य प्रकृति मीट, प्रक्रिया मीडिया पर भी लागू होना स्वाभाविक है टी आर और उत्तरदायित्वता में यदि संतुलन स्थापित नहीं होता है तो संभव इस असंतुलन से सोशल मीडिया वर्ग अपनी प्रासिकता और अंततः अपना अस्तित्व खो देते हैं मित्रों मैं आप सबको पुनः इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि देश भर के युवा इस संसद में उपस्थित हुए हैं और मुझे लगता है हमारे देश का लोकतंत्र निश्चित रूप से जिस पर आज कई सवाल उठते हैं और कई कमियाँ भी उस पर देखने को मिलती हैं उस कमियों को दूर करने के लिए हमारे सच्चे युवा साथी देश हित के लिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीति में प्रवेश करेंगे और जो भी देश के अंदर गलत घटित हो रहा है कहीं पर भी किसी के साथ अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए आगे आने का प्रयास करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद जय हिंद जय भारत